रुक करते हैं प्रदेश की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में पहले स्वास्थ्य मंत्री और फिर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर आसीन रहने के बाद अब जहां जेपी नड्डा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पद पर बैठने जा रहे हैं, तो वहीं नड्डा की एक कामयाबी को लेकर उनके गाँव विजयपुर में भी ग्रामीणों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में पहले स्वास्थ्य मंत्री और फिर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर आसीन रहने के बाद जहां जेपी नड्डा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठने जा रहे हैं, तो वहीं नड्डा की एक कामयाबी को लेकर उनके गांव विजयपुर में भी ग्रामीणों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी हां, सन 1960 में पटना में एनएल नड्डा के घर जन्मे जेपी नड्डा ने पटना से ही एलएमबी की परीक्षा पास की है और वह शुरू से ही एबीवीपी से जुड़े रहे, जिसके बाद नड्डा देवभूमि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर आए जहां विजयपुर में उन्होंने अपना आवास बना लिया। वहीं जेपी नड्डा पहली बार सन 1985 में पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजकीय माध्यमिक स्कूल कंद्रौर को 12वीं क्लास का दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई में सामने आए, जिसके बाद छात्र राजनीति में अपनी पहचान बनाकर नड्डा राजनीति के गलियारों में छा गए। वहीं जेपी नड्डा प्रदेश की राजनीति में कदम रखते हुए सन 1993 में पहली बार बिलासपुर सदर सीट से विधायक चुने गए, जिसके बाद सन 1998 में नड्डा को बिलासपुर की जनता ने दोबारा विधायक बनाकर विधानसभा भेजा। इसके बाद सन 2007 में जेपी नड्डा दोबारा विधायक बने और प्रेम कुमार धूमल की सरकार में उन्हें वन पर्यावरण विभाग टेक्नोलॉजी विभाग का मंत्री बनाया गया, जिसके बाद वर्ष 2012 में उन्हें राज्यसभा सांसद चुना गया। इसके बाद वर्ष 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दर्जा मिला। वही अब जेपी नड्डा को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होनी है, जिसको लेकर उनके गाँव विजयपुर सहित आस पास के इलाकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और स्थानीय ग्रामीण मिठाई बांट कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। नड्डा जी ने सारे तो हिमाचल में हुआ करते थे, पटना बिहार से उन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की, उसके बाद वो छात्र राजनीति में भी बड़े ऊपर गए, उसके बाद वो हिमाचल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, इसके बाद अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले सब स्वास्थ्य मंत्री रहे पिछले 5 सालों में, और अब ये नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद उनका और अमित शाह जी का आशीर्वाद उनको मिला, वो पूरे विश्व की बस यही खुशी की बात है कि कल नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बस इन्होंने कंद्रौर शुरू से स्ट्राइक की थी प्लस टू के लिए स्कूल के लिए, उसके बाद विधायक बने, उसके बाद मंत्री बने, उसके बाद गवर्नमेंट में बीजेपी में काम किया, बाकी अब दिल्ली में चले गए राज्यसभा सदस्य बन के, बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे, इसमें हमें खुशी की बात है, हमें बिलासपुर के लिए पूरे मचल के लिए।